सो फ्रेंड्स, शाम के अभी 8 बज चुके हैं और मैं अभी आया हूँ यहाँ पर मेरे दोस्त के साथ टू हैव द इवनिंग टी। सो एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बचपन का दोस्ती होता है ना, दैट इज समथिंग यूनिक। सो ये जो भाई साहब को देख रहे हो आप, मास्क पहन कर बैठा है, ये नहीं, ये तो हम लोग चाय खिला रहे हैं अंकल भैया, पर ये है जो दोस्त जो मास्क पहन के बैठा है, इसका नाम है मिठू और अच्छा नाम है शिवंकर शाह। तो हम लोग दोस्त थे फ्रॉम क्लास, कौन सा क्लास से? क्लास 8 से, वी आर द फ्रेंड फ्रॉम क्लास 8। सो लास्ट 10 से 15 साल तक हम लोग का कोई कनेक्शन नहीं था। क्यों नहीं था? तो प्रॉब्लम मेरे साथ ही था, क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज दैट जब पूरी दुनिया का छुट्टी रहता है, जिस दिन को सैटरडे संडे, उस दिन मेरा रहता है जबरदस्त काम, ओके, एज आई टोल्ड इन माई पास्ट ब्लॉग्स एंड ऑल। तो इसीलिए किसी के साथ मेरा कोई कॉन्टैक्ट यूजुअली नहीं रहता है। तो अभी क्या हुआ, मैं गुरुकुल छोड़ दिया हूँ, मेरा जो पहला जो कॉलेज का काम, आई लेफ्ट इट आउट, सो आई हैव enough time to reunion with my friends. So last 3-4 weeks say my friend is coming with to meet with me, but unfortunately मैं हर वीक मैं सोचता हूँ मैं मेरे GoPro को कैरी करूँ, कैमरा कैरी करूँ, बट मिठू क्या हो रहा है मैं भूल जाना हूँ। ओके, एवरी डे एवरी वीक आई थिंक दैट आई विल इंट्रो माई फ्रेंड विद यू ऑल, बट आई फॉरगेट, ही इज माई ओल्ड फ्रेंड एंड यू ऑल माई यू नो न्यू फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक लंबा जैन ट्रक का, ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोड है, इसको बोला जाता है NH 34। ये देखो कितना भयंकर ट्रैफिक जैम है, ये डेली बेस सीन है ट्रकों का। यहाँ पर नॉर्थ बंगाल को ऐड करते हैं कोलकाता से, ये दिस वाला रोड, तो जितना दूर जाओगे जस्ट 1-2 किलोमीटर ट्रैफिक जैम, इधर जाओ जितना दूर देखोगे आप ट्रैफिक जैम एंड ट्रैफिक जैम। इस गली के अंदर हम लोग बैठे हैं, जैसे गप्पे मार रहे हैं मेरे दोस्त, और मिठू क्या कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब का वीडियो देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग माई वीडियो। ओके, चलो हम लोग छुप छुप के देखते हैं क्या कौन सा वीडियो देख रहा है व्लॉग का। यस, ही इज़ वॉचिंग माई वीडियो ऑल्सो। सो गाइज, अभी यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी ऑलरेडी रात को कितने बजे हैं, 9 बज चुके हैं। कितने बजे ब्लॉग शुरू किया? रात को 8:30 बजे आई स्टार्टेड माई ब्लॉग। यूजुअली मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ कितने बजे, सुबह सुबह दोपहर को, बट क्यों इतना लेट हो चुका हूँ, क्योंकि आज मूड एकदम नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए। द मेन रीज़न इज दैट आई हैड सम पर्सनल इशू किया दैट आई कैन शेयर, बट सडनली 7:30 बजे माई फ्रेंड कॉल मिया, मिठू मुझको कॉल किया, कॉल करके बोला भाई आज मैं आ रहा हूँ तेरे घर में, तू रेडी हो जा। तो मैं तो गया था क्लास में विद माई साइकिल, तो व्हाट आई डिड दैट आई टुक आउट माई बाइक, और ये जगह हम लोगों का एग्जैक्टली गप्पे मारने के लिए, बचपन से हम लोग यहाँ पर आते हैं। मिठू कितने साल से हम लोग यहाँ पर आते हैं? 15-20 साल से हम लोग यहाँ पर आते हैं, जब हम लोग इतने छोटे थे, इस साइड में हम लोग बैठ कर वी टू प्ले एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर ये सब जगह पे हम लोगों का बचपन, वी हैव स्पेंड अवर चाइल्डहुड। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग खेलते थे, सब कुछ करते थे, तो अभी तक आते एक होता है नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, ये सब देखता हूँ ना जब लोग प्लेज एंड ऑल दिस थिंग। इसको बोला जाता है रैकेट, राइट, रैकेट बोला जाता है ना, बैडमिंटन। ओके, सो आई बिकम सो मच नॉस्टैल्जिक, चल जाकर जाना है, चल। सो दिस इज ऑल द थिंग्स। तो तब मैं आया, मैंने भाई हर दिन मुझको एक ब्लॉग देना है, तो एक तो प्रेशर रहता ही है, तो मैंने सोचा कि चलो दोस्त के साथ थोड़ा सा गप्पे मारने जा रहा हूँ, चाय पीने जा रहा हूँ, तो लेट्स मेक अ व्लॉग विद दैट। तो मिठू के साथ आपको इंट्रोडक्शन भी करवाना, ये दिमाग में पहले से था। सो दोस्तों, ऑलरेडी मैं अभी आ चुका हूँ मेरे बचपन के स्कूल के सामने, सो दिस इज़ द स्कूल ऑफ माइन। थोड़ा सा क्लोज करके आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्कूल का नाम देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है नौपोल्ली बॉयज़ हाई स्कूल। व्हेन आई वाज जस्ट किड, मैं जब क्लास 5 में पढ़ता था, ये था मेरा स्कूल का बिल्डिंग, और इसी मैदान में, इन दिस फील्ड आई हैव स्पेंड सो मेनी टाइम। सो यहाँ पर मैं और मिठू, मैंने सोचा चलो यार अब इतना दूर आ चुका हूँ, स्कूल का भी थोड़ा सा दर्शन करके जाए, सो दैट्स व्हाई वी हैव कम इन द स्कूल। तो इस मैदान में वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, बचपन का बहुत ऐसे यू नो जबरदस्त टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया यहाँ पर। तो स्कूल का बिल्डिंग अभी जितना बड़ा बड़ा देख रहा हूँ ना, उस टाइम में इतना बड़ा नहीं था, ये बहुत छोटा स्कूल था। ये सामने का जो बाउंड्री वो भी कुछ भी नहीं था, वो न्यू रिफॉर्मेशन यहाँ पर बिल्डिंग का हुआ है, बिल्डिंग का साइज भी बहुत बढ़ चुका है, स्कूल भी बहुत फेमस हो चुका है। एक बात है ना, जस्ट लाइक नए लोग पुराने लोगों को रिप्लेस कर देते हैं। एक ऐसा टाइम था जब इस जगह पे, इसी टाइम में मैं मेरे दोस्तों के साथ आई टू प्ले, पर अभी सीनरियो कम्प्लीटली चेंज है। मैं नहीं हूँ,
someone else. ये बच्चे लोग, they are playing over here, they are excited. घर आने के बाद जो पहला प्रॉब्लम मैंने फेस कर रहा हूँ, मेरा जो ये जो ट्यूबलाइट, इसका काम करना बंद हो चुका है. सो भाई आ चुका घर में, फ्रेश हो चुका हूँ, एडिट का जो सेट है वो भी मैं ऑन कर चुका हूँ. नाउ टाइम फॉर एडिट. तो ये था छोटा सा व्लॉग, इवनिंग का व्लॉग. बट एक चीज आई वॉन्ट टू शेयर, वेन यू आर मीटिंग विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, जब आप अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलोगे, इंटरेक्ट करोगे, तो नेचुरली आपका मूड बहुत ही बढ़िया हो जाता है, राइट? सो सुबह से, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, दैट सुबह से मेरा मूड बहुत ही ऑफ था. फॉर सम पर्सनल इशू मैं सोच रहा था आज व्लॉग नहीं करूंगा. तो रात को 8 बजे 8:30 बजे निकलने के बाद भी आई मेड दिस छोटा सा व्लॉग. अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ थोड़ा दिखाओ. अगर कोई सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं उसको थोड़ा सा इंसिस्ट करो, राइट? सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड.